तो हेलो गाइस दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में फास्फोरस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप सभी को पता है इस फास्फोरस का आविष्कार गलती से हुआ था? लेकिन आज की इस वीडियो को देखने बाद जान जाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दरअसल 1969 के दौरान विभिन्न ब्रांड नाम के एक साइंटिस्ट जिन्हें यह लगा गोल्ड भी यूरिन की तरह येलो होता है, तो शायद यूरिन से गोल्ड को बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 5700 लीटर यूरिन को इकट्ठा करके उसको बॉयल करना चालू कर दिया, जिससे लिक्विड इवेपोरेट होकर पाउडर में बदल गया और उस पाउडर के अंदर अंधेरे में ग्लो होने और एक्सप्लोड होने की प्रॉपर्टी भी आ गई, जिसे आज हम फास्फोरस के नाम से जानते हैं।